अरविंद राजभर ने कहा, अखिलेश यादव के इशारे पर मेरे साथ हो रही घटना। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कहा, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो विरोध भी उसका ज्यादा होते हैं। संगठन और शक्ति बढ़ती है तो शक्ति से प्रभावित लोग होते हैं। ऐसे लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाए कि उसका काम ना गड़बड़ा जाए। ये बड़े लोग नहीं है, ये छोटे लोग हैं जो चंद पैसे पर ऐसा काम को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर हम बार बार बताते रहे हैं। कई बार इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, बलिया में हुआ, मऊ में हुआ, देवरिया में हुआ, कुशीनगर में हुआ, अभी मिर्जापुर में हुआ था, अभी मैं मथुरा गया था, वहाँ भी हुआ था। इस प्रकार की लगातार घटना घटित हो रही है। मंत्री की चर्चा काफी, यहाँ गांव में भी आपकी मंत्री बनने की चर्चा चल रही थी, आपने भी कहा, तो आपके मंत्री कब बन रहे हैं, इसकी तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं? उसकी तारीख भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। और देखिए, जो चीज तय है पहले से, ये तो हमारे जो विरोधी गोल के लोग हैं, इसकी चर्चा तो वो लोग कर रहे हैं कि मंत्री कब बनेंगे। जौन हमके खुद ही पता हो कि नेताजी के मंत्री कब बने के हो, तो डेट के हम काहे एक्सपोज करें। तो हमके पता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो हम नहीं बताएंगे। वो हमको पता है, जो हम लोगों की मीटिंग वगैरह हो गई है, सारा चीज तय हो चुका है, उसका एक उचित समय है, उसी समय को हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश योगी जी से मीटिंग हुई है, या फिर क्या आश्वासन कहाँ से मिला है? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल पर आज सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक सब कुछ छाया हुआ है। हमारे विरोधी के दिमाग में, मन मानसिकता में ये फैल रहा है कि योगी जी ओम प्रकाश राजभर जी के विरोधी हैं। ऐसा कुछ है नहीं। 3 जुलाई को ही ये तय हो गया था। 2 जुलाई को माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए थे, और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन मेरे पास आया। मैं बलिया ही था, मैं गया, मेरी मीटिंग भी हुई। मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर हम लोग दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात हुई और जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई, सभी लोगों ने बताया भी उस चीज़ को। 18 तारीख की जो NDA की बैठक थी, उसमें भी आमंत्रित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। तो ये विरोधियों की तरफ से चर्चा हो रही है, बाकी नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ ठीक ठाक है। जो हम लोगों के या समाज के जो काम है, जनता के जो काम है, या जो भी एजेंडे हम लेके चल रहे हैं, उस पर सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक सारे लोग पहल भी कर रहे हैं और उस पर सहमति भी देने का कार्य कर रहे हैं। सर, तारीख तो तय है, आप कह रहे हैं कि हमारी तारीख भी तय है, दिन भी तय है, सब कुछ तय है, विभाग कौन सा है सर? वो भी तय है। कौन सा विभाग है जो आपके एजेंडे में है, जो जिसे आप मेरे एजेंडे में जो है, जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, हम गांव गरीब के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे गरीब की व्यवस्था सुधरे, और हमारा गरीब गांव में निवास करता है, तो हमारे गांव कैसे सुधरेंगे, हमारे गांव के रास्ते कैसे सुधरेंगे, हमारे गांव की नाली कैसे बनेगी, हमारे ग्रामीण स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इससे मिलता जुलता कोई व्यवस्था रहेगा। क्या तो पंचायती राज आपके पास? अभी आप कह रहे हैं तो एक थोड़ा एडिशनल जोड़ लीजिए उसी में, दूठो हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो कि विभाग भी तय हो गया, विभाग तो बता दीजिए। अब चर्चा में तो आप ही ला दिए हैं, तो उसमें एक थोड़ा जोड़ लीजिएगा। विभाग कौन सा है? हमारी जिला पंचायत बैठे हुए ही बता देंगे। हमारे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, आपने एक विभाग बता ही दिया है। नेता भी आए, आपके जनता है, आपके मंत्री जी बता रहे हैं कि उनको भी जान का खतरा है। जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उसका विरोध भी ज्यादा होता है, और पॉपुलैरिटी ही नहीं, संगठन और शक्ति जब बढ़ती है तो उस संगठन और शक्ति से जो प्रभावित होते हुए लोग होते हैं, ऐसे लोग प्रयास ये करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही रास्ते से हटा दिया जाए जिससे कि उसका काम न गड़बड़ाए। तो ये करने वाले बड़े बड़े लोग नहीं है, ये छोटे लोग हैं जो चंद पैसों पर ऐसे काम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा है, उस प्रकार का थ्रेड है, और जिसको लेकर के बार बार हम बताते भी रहे हैं, और ये बात कई बार इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसी बलिया में हुआ, आपके मऊ में हुआ, आपके देवरिया में हुआ, अभी कुशीनगर में हुआ था, अभी मिर्जापुर में हुआ था, अभी मैं गया था मथुरा तो वहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। हमारे 90-44-81-84 हमारा पर्सनल नंबर है, उस पर लगातार पर डे धमकी आती है, पर डे वीडियो आता है कि कहीं मिल जाओगे तो गोली मार दी जाएगी, कहीं मिल जाओ तो बम उड़ा दिए जाओगे। अभी कुछ दिन पहले कार्यालय को बम उड़ाने की धमकी, बताइए इतना, मतलब इतना, अभी प्रशासन उसको फाइंड आउट भी किया है, समाजवादी का वो नेता है और मनबर टाइप का है, कार्यालय पर आकर के मोटरसाइकिल से कार्यालय पर आकर के कह रहा है कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे उस दिन इस कार्यालय को बम उड़ा दिया जाएगा। मैंने इसकी शिकायत यहाँ के कप्तान साहब से भी किया,
उन्होंने जांच भी कराया, कैमरा वैमरा सब लगवा दिया है, ऐसे लोगों को खोज भी लिया गया है, ऐसे लोग जेल भी गए। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो थोड़ा सा हम लोगों के, जैसे हम लोग गरीबों को जगा रहे हैं, इनके हिस्से की बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो कौन से लोग हैं जो देखिए, मैं स्पष्ट बताऊं जी, तो अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है सब कुछ। अखिलेश यादव जी के जो कुछ मनबल टाइप के लोग हैं, अभी मैं परसों बलरामपुर गया था, परसों बलरामपुर में गया था, बलरामपुर जब हम निकले वहां से, तो वहां कुछ लोग ऐसे लोग मिल गए।